फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही हेल्दी भी है, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी का नाम है चना मसाला। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं और मैं आज बनाने जा रही हूँ चना मसाला, जो कि ब्लैक चने का होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए उसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सामग्री में हमने लिया हुआ है ये ब्लैक चने हैं और ये मैंने एक कटोरी लिए हैं और थोड़ा हमने ऑयल लिया है। यहाँ पे मैंने एक छोटी साइज़ की टमाटर ली है, इसे बारीक काट लिया है। छोटी साइज़ की प्याज ली है, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ी धनिया पत्ती ली है और नमक लिया है 1 से 1.5 चम्मच के लगभग। थोड़ी एक चुटकी हमने हींग ली है, एक चुटकी राई है और एक चुटकी हमने जीरा लिया है और थोड़ा सा ही हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो हमने एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक चुटकी मसाला है, एक चुटकी हल्दी पाउडर है और एक चुटकी हमने धनिया पाउडर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई सामग्री। और जो चना मसाला हम बनाने जा रहे हैं, तो ये हमने सूखे चने लिए हैं, लाल चने हैं। और मैंने यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि इतनी ही क्वांटिटी में चने लिए थे और ये और नाइट भिगा के रखे थे। आप देख सकते हैं ये फूल कर इतने हो गए हैं और पानी हमने अच्छे ज़्यादा ही रखा था और शाम से हमने भिगा के रख दिए थे, तो ये काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। तो अब सबसे पहले हम इनको बॉईल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन्हें हम उबाल लेने जा रहे हैं। तो ये जो चने हैं कुकर के अंदर डालेंगे। हमने इसे अच्छे से धो लिया है, आप धो लें रात से अगर हमने इसे भिगाया है तो। और हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, तो पानी उतना ऐड करना है ताकि जितने में हमारे ये चने जो है पूरे भीग जाए, इनके ऊपर तक पानी आना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने चने को डाल दिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करने जा रहे हैं। नमक हम ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच। यहाँ पे नमक इसलिए ऐड करना होता है ताकि इसके अंदर तक भी ये नमक ऑब्जर्व हो जाए। तो हमने नमक डालकर इसे हिला दिया है और हम इनको उबाल लेंगे 1 सीटी आते तक। तो हमने 1 सीटी लगा ली है और अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए काफी अच्छे पक चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके के पके हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इस तरीके की छन्नी में हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे चने ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम ऑयल डाल देते हैं पैन के अंदर। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, यहाँ पे हम जीरा, राई और हींग को डाल देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। राई और जीरा तड़कने लग गया है, प्याज को ऐड करेंगे। लाइट ब्राउन होते तक पकने देंगे। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया है, टमाटर को डाल देंगे। बहुत ज्यादा पकने नहीं देंगे हम टमाटर को, खड़े ही रहेंगे। और अब हमने ये जो चने हैं इन्हें हमने छन्नी के अंदर डाल दिया था और इनका पानी पूरा निकल गया है। अब चने को डाल देंगे। नमक हमने इसके अंदर 1/2 चम्मच डाल दिया था, 1/2 चम्मच और डालेंगे। सारे मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ी धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। चने को हम पकने देंगे 5 से 7 मिनट तक और हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से कुरकुरे हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए 5 से 7 मिनट के लगभग मैंने इन्हें पकाया है और ये इसका पानी एकदम सूख गया है। काफी अच्छे सूखे सूखे हो गए हमारे जो चने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। और यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे चना मसाला बनके रेडी हो गए हैं और काफ़ी अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसे हम कभी भी बनाकर खा सकते हैं। सुबह के नाश्ते में भी हम बनाएंगे तो काफ़ी हेल्दी है। और इससे पहले मैंने एक और भी रेसिपी बताई थी, चना जोर गरम रेसिपी, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं।
और फ्रेंड्स आपको कैसी लगी है चना मसाला आप कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले ताकि आपको और भी नई नई रेसिपी देखने को सीखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज के साथ। हैप्पी कुकिंग।